अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज आए थे यहाँ बैंकॉक में एक रेस्टोरेंट, ग्रिल टाउन नाम है ये। पाकिस्तानी ऑथेंटिक फूड यहाँ पे मिलता है। तो इनके ऑनर जो है आसिफ साहब जो है, इन्होंने हमें इनवाइट किया था, मैसेज किया था कि आए, तो बड़ा मज़ा है यहाँ पे। हमने जब चेक किया, एम्बियंस इनका बड़ा ज़बरदस्त है और एक किस्म से फाइव स्टार होटल लग रहा है। इन्होंने काफ़ी इन्होंने जो है इसको अच्छी तरीके से बनाया है। और थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें इनवाइट किया। और थोड़ा सा बताएं अपने रेस्टोरेंट के बारे में हमारी ऑडियंस को कि यहाँ पे कौन कौन से खाने मिलते हैं और क्या स्पेशलिटी है आपकी। पाकिस्तानी, इंडियन, थाई फूड, अरबिक फूड, ये सारे हैं। और अथेंटिक है हमारा बारबेक्यू और कढ़ाई लाइव। हमारा खाने की सबसे बड़ी चीज़ ये कि सारा खाना लाइव बनता है, कोई भी स्टोर्ड नहीं है, मतलब फ्रिज नहीं किया हुआ होता। अच्छा। सारी चीज़ें जो हैं वो लाइव हैं। और बारबेक्यू इंशाल्लाह आपको कराची याद आ जाएगा, अल्लाह ने चाहा। अच्छा, आपका जो है ना भाई का ताल्लुक कराची से है, तो अभी जो है इनका हम फूड टेस्ट करेंगे, क्योंकि फूड ऑलरेडी आ चुका है। और टेस्ट करने के बाद अपना रिव्यू आपको देंगे कि इनका टेस्ट कैसे था, और बाकी यहाँ का जो एम्बियंस है रेस्टोरेंट का वो भी मैं आपको बता दूंगा। और हम लोग, हमारे साथ प्रेसिडेंट साहब है और उसके अलावा यूसुफ भाई भी है जो कैमरे के पीछे खड़े हैं। लेकिन हम सब अभी इस टाइम जो फूड नज़र आ रहा है वो इसमें से एक जो है ना, ये मगज़ निहारी है, चिकन कढ़ाई है, उसके अलावा चिकन टिक्का है, दाल है, और ये मलाई बूटी है, और उसके अलावा तुर्किश कबाब है। तो ये सारे जो है वन बाय वन आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में। और अभी इसको टेस्ट करने का टाइम है, तो टेस्ट करने के बाद आपको अपना रिव्यू देंगे कि टेस्ट कैसा था इसका। तो हमारे साथ रहिएगा। तो व्यूवर्स, हमारे साथ पाकिस्तान ताई चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अब्दुल गफ्फार वारसी साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे थोड़ा कमेंट्स लेते हैं रेस्टोरेंट के बारे में। तो सर, आपका क्या एक्सपीरियंस है इस रेस्टोरेंट के बारे में। माशाल्लाह जी, ये हमारे जो 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 रेस्टोरेंट है, ये आसिफ शरीफ साहब इसके मालिक हैं, और हमारे ये जो थाई पाकिस्तानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ये हमारे मेम्बर भी हैं। और माशाल्लाह ये जो रेस्टोरेंट है, ये हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी में एक बहुत एक अच्छा रेस्टोरेंट है। यहाँ का माशाल्लाह खाना बहुत अच्छा है, और यहाँ पर मोस्टली जो जितने भी यहाँ गैर मुल्की एम्बेसी हैं, जैसे कि मुस्लिम एम्बेसी हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया और पाकिस्तान, और बहुत सारे जो डिप्लोमेट है वो यहाँ आते हैं, और वो खाना भी यहाँ। तो टेस्ट आपने किया है खाना या नहीं? हाँ, हम यहाँ मेन बहुत बार आए हैं, और इनकी मेहरबानी है, इनकी दावत पे भी आए हैं, और हम अपनी जाती भी आए हैं। यहाँ पर जो हमारा एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा है। अच्छा जी। और हमारी फैमिली जो है वो बहुत पसंद करती है यहाँ खाना। और माशाल्लाह इस वक्त जो है बैंकॉक में इनका खाना और इनका रेस्टोरेंट बड़ा फेमस है। और हम दुआ करते हैं अपने भाई के लिए और इस रेस्टोरेंट के लिए कि अल्लाह ताला इसको तरक्की दे, और ये हमारी कम्युनिटी के लिए भी एक अच्छी चीज़ है, और हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी थाईलैंड में है उनके लिए भी ये एक मेरे नया अजाफा है। व्यूअर्स, खाना हो गया और बड़ा मज़ा आया। हमने इनके जो मेन डिशेज है उसको टेस्ट किया, स्पेशली जो मुझे पसंद आया इनका जो निहारी थी, और उसके अलावा जो बिरयानी वगैरह थी, थोड़ा सा मिर्चें ज़्यादा थी मेरे लिए, लेकिन ये कि आपकी मर्ज़ी है, आप इनको बोलेंगे तो मिर्च मसाला जो है थोड़ा सा कम भी रख सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बाकी यूसुफ भाई जो है ये भी मेरे साथ थे। यूसुफ भाई, आपका क्या रिव्यू है? जी जी, ज़बरदस्त मलाई बोटी, मगज़ निहारी बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, कबाब बहुत ज़बरदस्त। माशाल्लाह, मैं समझता हूँ कि बैंकॉक के अंदर इतने अच्छे माहौल के अंदर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मैं रिकमेंड करूंगा तमाम पाकिस्तान से आने वालों को। जी जी, इनका एम्बियंस बहुत अच्छा है, तो इस चीज का एक्सटीरियर एक एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट और रियल पाकिस्तानी टेस्ट आपको फील होगा। जी जी, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जो पाकिस्तान से आने वाले, बस थोड़ा सा 15-20 सेकंड का होता है यार, बहुत दम बच रही है। और जो थाईलैंड में जो पाकिस्तानी बेस है, मेरी रिकमेंडेशन उनके लिए। ये कट जाएगा बहुत सारा। आसिफ भाई, बहुत शुक्रिया आपने हमें इनवाइट किया। इंशाल्लाह ये जो है बड़ा हमें पसंद है, और होपफुली कि इसको आप जारी रखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो कोई फाइनल मैसेज है हमारे व्यूअर्स में? याद रखें, दुआओं में याद रखें। ओके। और सर आपका? मैं जी एज ए प्रेसिडेंट थाई पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स और एज ए प्रेसिडेंट ओवरसीज पाकिस्तानी थाई एसोसिएशन, मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ आइए अपनी फैमिली के साथ। खाना बहुत अच्छा है, बड़ा लजीज है, और पाकिस्तानियों में सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट है बैंकॉक में। स्वादिका स्वादिका।